इसकी वजह क्या है, क्या वजह है आपके जितने इज्तिमा है ना वो नेगेटिव होते हैं, आपके लोग इकट्ठे होते हैं या जुलूस के लिए या एहतजाज के लिए या जलसे के लिए या जनाजे के लिए, और शादी तो होती जो चलता है जनाजा, ये जो जनाजा ही है ये जो सेलिब्रेशन का कल्चर है ना वो हो गया खत्म। इट्स ट्रू, हम आप देखो कि हमारा जितने पब्लिक गैदरिंग्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर अनहैप्पी गैदरिंग्स, बहुत डराने वाली गैदरिंग्स हैं। सोसाइटी इतनी लेयर्स में डिवाइड हो गई हुई है कि अब हम लेयर्स बन गई हुई है ना, सोशल इकोनॉमिक लेयर्स भी बन गई, कुछ चीज़ें अब मिस हुए मिस है, यानी कि वो मैं उनको मिस करता हूँ कुछ चीज़ों को। मसलन जब हम बचपन में ईद का दिन तो खैर ये सवैयाँ सवैयाँ खाने में ईदी वसूल करने में देने में गुजर गया, तो फिर टरू वाले दिन हमारी कोशिश होती थी कि वाले साहब जो हैं वो पूरी फैमिली को लेके जाएं कोई फिल्म हमारी मर्जी की दिखाने। अच्छा, तो वो आमतौर पे हमको टार्जन की फिल्म देखते थे। उसके बाद उनकी कोशिश होती थी कि अब जो ईद का तीसरा दिन है ना तो ये अब कहीं अपने दोस्तों की तरफ जाए और हम मियाँ बीवी लदा से कोई फिल्म देखें कोई तो हमें पता था कि इन्होंने देखनी है, दोनों ने जाना है। एंड जब वो जाने लगते थे हम कहते थे असी भी नाल जाएं। तो ईद के तीन दिनों में हम दो फिल्में देखते थे। अच्छा, उसमें मेरे साहब अच्छी बात है कि पेरेंट्स जो है वो इनकार नहीं कर पाते थे, लेकिन अपना वक्त भी वो बच्चों को दे देते थे। अब वो सिनेमा हॉल ही कोई नहीं है ना लाहौर में ना इस्लामाबाद में ना कराची में, अभी भी नहीं। इस्लामाबाद में तो वो एक सवाल किया गया था किसी जगह कि दुनिया का वो कैपिटल बताएं जिसके अंदर कोई सिनेमा नहीं है, कोई थिएटर नहीं है, कोई एयरपोर्ट उस जमाने में अभी भी गालबन पिंडी में है नहीं है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, पूरे एक लबी जेल नहीं है, जेल जेल नहीं है, इसलिए ये बहुत बड़ा मसला है कि जेल जेल भी वो है, पर एक ओवरऑल एक सारा शहर ही जेल बन गया हुआ है। जब ये एक टेररिस्ट नहीं है, कानून भी कोई नहीं। अच्छा, वैसे अगर आप अपना लेवल थोड़ा सा नीचे ले आए तो सेंटोरस में जाके आप फिल्म देख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात बड़ी महंगी है क्या बात करती हैं आप, देखिए बहुत महंगी है वो, तो आम आदमी देख ही नहीं सकता वो। अच्छा, इतनी महंगी है, इतनी महंगी है। इस तरह के चंद बड़े मॉडर्न छोटे छोटे बक्सों के अंदर सिनेमा है, आपको इमेजिन ही नहीं कर सकते आजकल के बच्चे जो सिनेमा का एक कल्चर था कि जिस तरह ये बता रहे हैं, खानदान टांगों में जाते थे, मासियां चाचियां बच्चे बूढ़े तमाम जाते थे, फिर वो टिकट का लेने का एक तरीका, फिर एक लेयर थी, एक 12 आने की होती थी, एक 14 आने की होती थी, एक गैलरी होती थी, एक फलाना होता था, हर एक क्लास का एक अपना कल्चर था। विलन को जब बाहर पिटती थी और जो सीटियां बजती थी और तालियां मारते थे लोगों का कैथारसिस हो जाता था। अभी है मैं अभी अच्छा मेरी एक बात सुन ले आप, तीनों के दरमियान तीनों की गुफ्तगू में काशिफ सोच रहे हैं पुराने लोग हैं, ये पुरानी पुरानी बातें कर रहे हैं, मैं इतना पुराना नहीं हूं, मैं कहां फंस गया हूं, मैं इतना पुराना नहीं है जी, तुम करो करो, मैं यहां एंजॉय कर रहा हूं। नहीं, तुसी अड की पोकेमॉन जनरेशन भी नहीं है, माफ करना, ताडे मुकाबले मैं मेरा हाल एक जनरेशन आगे है। आप कोई बात कर रहे थे मालिक साहब? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अभी कनाडा में हम गए सिनेमा हॉल में, इसकी मुझे आमिर ने बात की, मुझे बड़ा फनी लगा वहाँ पे जब आया ना हीरो, अच्छा भाई वहाँ सारा साउथ एशियन क्राउड था, उन्होंने कोई तालियां बजाई, उन्होंने कोई वहाँ पे हूटिंग हुई, बट आई वाज एंड आई वाज लाइक एवेंजर्स में ये हुआ, इट्स हैपनिंग एवेंजर्स में, आई वाज इन कनाडा यार, मैं लाहौर में देख रहा था एवेंजर्स, एक लाहौर के सिनेमा में देख रहा, तो जिस वक्त हल्क को वो कहता ना कैप्टन अमेरिका इट्स टाइम टू बी एंग्री, वो गुस्से में आता तो हल्क बनता ना, तो बैनर इट्स टाइम टू बी एंग्री, तो वो इसको देख के कहता कहता द प्रॉब्लम इज आई एम ऑलवेज एंग्री, और वो मुड़ता तो वो हिज हल्क वो शॉट में, और जो सीटियां बजी और जो यू नो दिस इज एक्साइटिंग, वो खूबसूरती एक मजा आता है, मजा आता है, आप लोग उठाते हैं उस चीज का। काशी से तो ईद वाले दिन बेगम के हाथ की कौन सी चीज पसंद है? मेरी बेगम को कुछ पकाना नहीं आता, कुछ तो आता होगा, अंडा नहीं उबाल सकती है जी। अभी हम रमजान से गुजरे, मालिक साहब झूठ बोलना मना, रमजान तो नवे नवे निकले, खुदा दा वास्ता जी सच बोला देती होगी, पहले मैं से जाना बंद नहीं करना, ताड़ा रहना बंद हो जाए। चलिए मेरे साहब आप बताइए, बेगम के हाथ की कौन सी चीज ईद वाले दिन खास तौर पे आपको पसंद है कि वो होनी चाहिए? वो तो तकरीबन सब कुछ ही बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, कोई खास स्पेशल चीज? ये तो मैं हम लाहौर से क्योंकि यहाँ पे आए हुए हैं,
तो हम अपने आप को बहुत बड़े वो टेस्ट के वाले से जो है ना खाने पीने, तो इनके घर का खाना जो है ना इंतज़ार भी किया जाता नहीं होता, तो मैं मंगवा भी लेता हूँ। अच्छा। तो बड़े अच्छा, बड़े दिन हो गए अच्छा खाना नहीं खाया इनकी। अच्छा, इसका मतलब जबरदस्त खाना बनता है, जबरदस्त खाना बनता है। ईद के दिन तो जाहिर बात है पहली जो डिश होती है वो सेवइयां ही होती हैं। तो अच्छा, ये मीर साहब ये सबसे अमूमी तौर पे देखने वाले ये शिकवा करते हैं कि इतनी मोतबर शख्सियात हैं, इनके घर में इनकी बेगमात कहाँ काम करती होंगी। अमूमी तौर पे तासुर ये होता है, ये एक तासुर है कि ये इनके घर में ठीक तासुर हैं। आपकी आपकी बातों से मुझे अच्छा काम करें। ये आपने ना इंटरव्यू चलाने अगली पे उसके शुरू में क्लिप चलेगा, हम आपको बिचड़ी होगी काशिफ बास्ती का ना एक तारीखी यादगार इंटरव्यू दिखाएंगे जिसमें हम बातें नहीं और फिर वो हम में ना रहे। अक्सर इनके शोज में जो है ये मेरी दानिश्ता कोशिश थी, अक्सर होता है कि हम काफ़ी ईदें इस तरह की हैं जिसमें काशिफ और मेहर दोनों ईद के शो में इकट्ठे थे। आज ये पहली दफ़ा मैं आज़ादी का मौका प्रोवाइड कर रहा हूँ कि हमने काशिफ को अकेले मैं उस टाइम यही कहना सी तुम्हें याद हमने हर दौर में सच बोला बस बेगम के सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं होती। पिछला शो काट के देख लिया। नहीं, 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 अच्छा नहीं, बड़ा सच बोला था आपने। बहुत ज़्यादा। अच्छा आमिर साहब ने मुझे एक दफ़ा बताया था कि मीर साहब और आमिर साहब कम उम्री से हमेशा से एक साथ चलते आ रहे हैं, जब से आप लोगों ने आगाज़ किया। तो आमिर मतीन साहब बड़ी खूबसूरत बातें भी हामिद मीर साहब की बताते होते हैं कि मीर साहब क्या करते थे, किस तरह से करते थे। और पता नहीं मुझे याद नहीं क्या कह दिया होगा, मगर जनरली ईद का दिन है अच्छी अच्छी चीजें ही मीर साहब अच्छी याद रखी। मालिक साहब भी हमने ये है कि लाहौर में जर्नलिज्म ऊपर नीचे तले स्टार्ट किया, इस्लामाबाद भी इत्तेफाक का नाम इकट्ठे ही यहाँ पे आए, सो इसलिए तमाम बच्चे एक जमाना था इस्लामाबाद में जब जो भी लाहौर से आता था तो उसकी पहली जो पनागा होती थी वो आमिर मतीन का डेरा होता था। अच्छा ठीक है ना, तो मैं होटल में वो वहाँ पे कभी कभी जब हम अकेले रहते थे यानी कि बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते थे कभी किसी के घर कभी, तो हम खाना भी पकाते थे ना एक दूसरे के लिए। अच्छा अच्छा तो शायद मैंने कभी कोई खाना पका के इनको खिलाया था जो इनको अभी तक याद है। आपको याद नहीं है? अच्छा। नहीं मीर साहब का जो है ये बहुत बहुत बड़े एहसानात हैं, मगर एक मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की और जर्नलिज्म की एक बड़ी खिदमत होगी कि इनका जो फर्स्ट लव था ना, अब इनके के घर में लोगों के सहन फर्स्ट लव भाभी को जवाब दे सर क्या होगा। नहीं नहीं हम बिल्कुल भाभी को जवाब दे मैं इतना खबर नहीं यार ड्रामा का काम होता पर्दे पर तुसी जीवा नहीं मैं किस तरह कह सकना प्रोफेशनली जो है वो ये, क्योंकि वाले साहब भी जर्नलिज्म के प्रोफेसर थे, इनके घर की लॉन्डी थी जर्नलिज्म जो है, तो इनका रुझान क्रिकेट की तरफ बहुत था। अभी आजकल मैं और काशिफ वासी हम भी कोशिश करते हैं खेलने की दौड़ भाग, हमारी जो पहली मोहब्बत है वो अभी तक बरकरार है क्रिकेट के साथ, हमने उसको अभी तक फरामोश नहीं किया, तो ये अभी भी थोड़ा थोड़ा खेलते हैं। अच्छा ये पहली मोहब्बत अपनी जो है वो आपकी बरकरार है, सहाफत में फिर क्यों आए?